यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो मैंने फील किया वो मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो बस्ती से बहुत दुख हो के आया था कि इधर कैसे हो गए, यहाँ के लोग कैसे होंगे, हाउ विल दे ट्रीट मी, वो चीज़ मेरा सेंटिमेंट था। मगर जब मैं इधर आया तो मेरा दोस्त एक मिला, उनके फैमिली भी उतना रिच परिवार के नहीं थे, उसके मम्मी पापा भी ऐसे कुछ मीडियम क्लास के थे, फिर भी बहुत अच्छे से मुझे स्वीकार किया और उन्होंने मुझे विदाई तक देने में वो मेरे साथ वहाँ तक आया, स्टेशन का उधर तक यूनिवर्सिटी तक। और सेकेंड तो मैं वो बताना चाहूँगा कि यार हमारा जो कल्चरल शो हुआ था यूनिवर्सिटी रावण शो में, तो उसी पे मेरा एक ओडिशी के जो कुछ डांस फेमस डांस जो देखते देखते मेरा एक आंसू निकल गया था मेरा एक समय पे। उसका कारण क्यों निकला होने से मैं एक मेरा सेंटिमेंट था, क्योंकि सुनने में ऐसा आता था कि उधर से डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमारा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग को, साउथ वाला लोग मिडिल वाला लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऐसे सुनते थे। मगर इधर आया तो इतना अच्छा से वेलकम किया कि मैं रोए गया कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मोर देन व्हाट आई से मेरा अंदर में। थैंक यू नाम में बताऊँ मुझे यहाँ ओडिशा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यार मिला। मैंने जिंदगी में एक्सपेक्ट ही नहीं की थी मुझे इतना प्यार मिलेगी। मुझे नया मम्मी पापा मिल गई, नई दीदी भी मिल गई, मुझे अपने होस्ट फैमिली ने बहुत प्यार दिया, खाने पीने का कुछ भी कमी नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमें इतना अच्छा वार्म वेलकम मिलेगी। जब हम स्टेशन पे उतरे तभी से इतना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे कि मुझे अपने स्टेट का भी याद ही नहीं आ रहा है, मुझे अपने घर में जो मम्मी पापा है उससे भी याद नहीं आ रहे है, बस इधर का मम्मी पापा याद आ रहे है। गाँव में भी लेके गए कैसे खेती करते हैं वो भी हमें कुछ सीखने को बहुत मिला। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोग। थैंक यू। इस माटी का हम तिलक लगाते हैं, हम एबीवीपी विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति ये सिखा।